तो गाइज आज फाइनली एज ने अपने फैक्शन के फोर्थ मेंबर को रिवील कर दिया। वीर महान है जजमेंट डे के फोर्थ मेंबर। गाइज अब जॉन सिन्हा का WWE में रिटर्न होने में कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में जजमेंट डे के लीडर द रेटेड आर सुपरस्टार एज ने जॉन सिन्हा की काफी बड़ी इंसल्ट कर दी है और उन्होंने WWE फैंस को ये साइन दिया है कि बहुत जल्द उनका जॉन सिन्हा के साथ एक राइवलरी स्टार्ट होने वाली है। जब मंडे नाइट रॉ में एज अपने प्रोमो को कट कर रहे थे तब वे जॉन सिन्हा के बारे में ये कहते हैं कि आई वॉज नॉट हैंड पिक्ड टू सीट एट द टॉप ऑफ द माउंटेन लाइक अ जॉन सिन्हा, आई सीट एट द टॉप ऑफ द माउंटेन बिकॉज आई एम मिरेकल ऑफ माई ओन हार्डवर्क एंड माई सक्सेस फॉलोड। यानी यहाँ एज का ये कहना है कि मुझे जॉन सिन्हा की तरह हाथ पकड़ के यानी मेगा पुश देके WWE में टॉप पर नहीं लाया गया बल्कि मैं अपने खुद की मेहनत की बदौलत WWE के टॉप ऑफ द माउंटेन पर पहुंच पाया। हाँ गाइज हम सभी को पता है कि एज WWE के कितने बड़े सुपरस्टार हैं। इतनी सारी इंजरीज के बाद भी उन्होंने WWE में काफी कुछ किया है। लेकिन गाइज यहाँ एज जॉन सिन्हा को क्यों टारगेट कर रहे हैं? जरूर एज के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एज ने ये खुद कहा था कि वे अब WWE में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और कुछ ही सालों बाद वे रेसलिंग को छोड़ के WWE से हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले लेंगे। और गाइज एज अपने रिटायरमेंट से पहले 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सिन्हा से फाइट करना चाहते हैं। पहले भी जॉन सिन्हा और एज का मैच हो चुका है लेकिन ये कन्फर्म है कि WWE इनके बीच एक और बार राइवलरी करवाना चाहेगी। लेकिन गाइज रूमर का ये कहना है कि इस साल जॉन सिन्हा WWE में वापस आने के बाद ऑस्टिन थियरी के साथ फ्यूड करेंगे। लेकिन क्या आप चाहते हो कि इतने सालों में जॉन सिन्हा WWE में बस एक ही बार आते हैं और वे आके अपना मैच ऑस्टिन थियरी के साथ करें? गाइज मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। सारे बड़े बड़े सुपरस्टारों को मनी इन द बैंक से पुल करने के बाद WWE ने इस साल के मनी इन द बैंक का कचरा कर दिया है। और गाइज जैसा कि रूमर थी कि जॉन सिन्हा का रिटर्न मनी इन द बैंक या फिर उससे पहले होगा लेकिन अब शायद ही ऐसा होगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि इस साल सिन्हा का रिटर्न जरूर होगा और गाइस शायद हमें ये समर स्लैम से पहले देखने को मिल सकता है। एंड अगर समर स्लैम में एज वर्सेस सिन्हा का मैच होता है तो वो गाइस सबसे बड़ा मेगा मैच होगा। और गाइस इस मैच को होने के काफी ज्यादा चांस है जैसा कि हम लोग मंडे नाइट रॉ में देख रहे हैं कि एज अपना एक नया ही रूप ले चुके हैं एंड उनकी फैक्शन हाथ धो के AJ स्टाइल और फिन बैलर पर पड़ी हुई है। ऐसे में AJ और बैलर को एक काफी स्ट्रॉन्ग पार्टनर की जरूरत है और गाइज इसके लिए जॉन सिन्हा बिल्कुल परफेक्ट होंगे। अगर सिन्हा फिन बैलर और AJ स्टाइल को ज्वाइन कर लेते हैं तो समर स्लैम में टीम एज वर्सेस टीम जॉन सिन्हा के बीच एक मेन इवेंटर मेगा मैच होने से कोई नहीं रोक सकता है। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइज मैं आप लोगों को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं है, बस आप वीडियो को एंजॉय करो। गाइज एज ने अपनी फैक्शन तो बना ली लेकिन उनकी ये फैक्शन ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पा रही है। उनकी जजमेंट डे विंस मैकमैन की नजर में गाइज रेड जोन में है क्योंकि जब एज अपने जजमेंट डे के साथ मंडे नाइट रॉ में आते हैं तो वहाँ बैठे फैंस का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है और उनकी ये टीम इसलिए खतरे में है क्योंकि फैंस को ये बोरिंग लग रहा है। गाइज WWE यूनिवर्स को सबसे ज्यादा मजा वीर महान को देखने में आ रहा है। वीर महान जिस तरह से मंडे नाइट रॉ में अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उन्हें देख फैंस पूरी तरह से एनर्जेटिक हो जाते हैं। गाइज अभी वीर महान को WWE में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लेकिन अगर मैं कहूँ कि उनकी ये परफॉर्मेंस कुछ ही महीनों में फ्लॉप होने वाली है ये आप लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा क्योंकि इस वीक के मंडे नाइट रॉ में हमने देखा था कि जब वीर महान जेरी द किंग लॉलर के साथ अपने प्रोमो को कट कर रहे थे गाइज इससे ये क्लियरली देखने में लग रहा था कि भले वीर महान की इन रिंग स्किल काफी अच्छी है लेकिन उनके पास माइक स्किल बिल्कुल भी नहीं है। और अगर किसी सुपरस्टार को WWE में अपना नाम बनाना है तो फैंस के सामने उनकी माइक स्किल अपने प्रोमो को कट करने का तरीका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए या फिर ऐसा करने के लिए उसके पास एक मैनेजर होना चाहिए। द ग्रेट खली WWE के इतने बड़े सुपरस्टार थे, इन रिंग स्किल और पावर की कमी तो उनके पास नहीं थी लेकिन WWE यूनिवर्स के सामने किस तरह से बोलना है ये स्किल उनके पास नहीं थी। लेकिन इस चीज के लिए उन्हें एक मैनेजर तो मिला ना और इसी की बदौलत वे WWE में इतना पॉपुलर हो पाए। विंस मैकमैन वीर महान को इतना पुश दे रहे हैं, गाइस वो तो ठीक है लेकिन अगर उन्हें वीर महान को एक बड़ा सुपरस्टार बनाना है तो उन्हें एक मैनेजर या फिर लीडर की जरूरत होगी जो कि वीर महान को सही डायरेक्शन में लीड कर सके। और अगर वीर महान एज की फैक्शन को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये एज और वीर महान दोनों के लिए काफी अच्छा होगा। इससे वीर महान को एक लीडर मिल जाएगा और एज को वो सुपरस्टार मिल जाएगा जो उनकी जजमेंट डे को स्ट्रॉन्ग तो बनाएगा ही साथ ही साथ इसके बाद
वीर महान की परफॉर्मेंस से WWE यूनिवर्स का उनके फैक्शन को एक अच्छा रिस्पांस मिलने लगेगा। तो फिर गाइस आज के वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। जिन भाइयों ने वीडियो को एंड तक देखा है उनको मेरा थैंक्स। तो फिर गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। देन तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।